पीएम मोदी की बायोपिक ने रिलीज से पहले कई मुश्किलों का सामना किया है। फिल्म के पोस्टर्स पर सवाल, रिलीज डेट पर सवाल, और जब आखिर में रिलीज डेट मिली तो उसमें भी अर्जुन कपूर की इंडियाज मोस्ट वांटेड के साथ क्लैश का खतरा। हालांकि अर्जुन की फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ कमाल नहीं दिखा पाई, लेकिन इस मामले में मोदी की बायोपिक ओवरटेक कर आगे निकल गई है। जहां अपने सातवें दिन फिल्म ने 1.5 करोड़ का कारोबार किया था, तो वहीं अब बात करते हैं फिल्म के 8वें दिन के कलेक्शन का। बताते कि फिल्म ने अपने 8वें दिन लगभग 1 करोड़ की कमाई की है। इस हिसाब से देखा जाए तो फिल्म का बजट लगभग 15 करोड़ है और फिल्म ने अब तक लगभग 21 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। यानी कि हिट का टैग लेने के लिए फिल्म 2 कदम की दूरी पर है। ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि मोदी बायोपिक का दर्शकों पर अच्छा इम्पैक्ट पड़ रहा है। ट्रेड एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले वीकेंड में फिल्म के आंकड़ों में उछाल देखने को मिल सकता है। बात करें इस फिल्म की तो उमंग कुमार के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में जरीना वहाब, बरखा सेन गुप्ता, बोमन ईरानी, मनोज जोशी, राजेंद्र गुप्ता जैसे स्टार्स भी इम्पोर्टेंट रोल में है। खैर, अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में ये फिल्म और क्या धमाल मचाती है। वेल, आपने अगर ये फिल्म देख ली है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये फिल्म कैसी लगी। Honestly, I'm very, very happy and I'm very proud. This film is going to release tomorrow and the result positive, so I'm so happy. And I wish everybody all the best. नहीं नहीं, कोई सपोर्ट नहीं तो कोई बात नहीं, ऊपर वाले का सपोर्ट बहुत है। शायद इस वजह से करेक्ट टाइम पे फिल्म रिलीज हो रही है। आई एम वेरी हैप्पी। ऑलरेडी
ऑलरेडी सो मेनी पीपल आर टॉकिंग, मेरा बात करना ठीक नहीं रहेगा. सो ऑनेस्टली मुझे आई वॉज नॉट इन टाउन एंड यहाँ पे कोई फ़ोन नहीं चल रहा था, इसलिए मुझे इतना ज़्यादा नहीं मालूम. आई एम एक्सट्रीमली सॉरी. Yes, please. Ji. जी जी जी, इसे लहर नहीं कहते, इसे सुनामी कहते हैं. और यकीन मानिए ये 130 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए एक बड़ा खुशी का क्षण है कि हमें एक स्थायी, मजबूत, सक्षम, निडर और काम करने वाली सरकार आज मिली. पूरी दुनिया को हमने दिखा दिया कि हम एक सक्षम नेतृत्व को चुनने में कितने काबिल हैं. तो आज ये बहुमत चुनाव का मिला है और कल इस फिल्म का बहुमत जो है वो बॉक्स ऑफिस में मिलेगा. मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है. अब आप देखिए कल जब ये आएगी तो लोगों में इतना उल्लास होगा इस फिल्म को देखने के बारे में, उस व्यक्ति के बारे में जानने का, उस व्यक्ति के बारे में देखने का जो आज इस कदर जनता का प्यार लेके जो हमारे बीच में आज कितना बड़ा प्यार, कितना बड़ा सम्मान उनको मिला, कितना बड़ा समर्थन मिला. तो मुझे लगता है अब जब कल ये फिल्म आ रही है तो दिस इज द राइट टाइम फॉर दिस फिल्म. मैं तो लोगों से नहीं, मैं उन लोगों से जो बड़ा विरोध कर रहे थे, ये प्रोड्यूसर खड़ा हुआ है जिस हिंदी इस फिल्म का, जो विरोध कर रहे थे मैं उन्हें कहना चाहता हूँ अब क्या कर लोगे यार, देख लो आ गई मोदी सरकार. जी नहीं, ये पूरी वो टेलीविजन इंडस्ट्री से है और वहाँ से वो गई और उन्होंने इतना बड़ा मौका माना. और ये जीत सिर्फ जीत नहीं है, ये एक बहुत बड़ा प्रतीक है, ये सिंबल है ये कि आप जनता को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते. आपका नाम चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो लेकिन जनता सर्वोपरि है और जनता ने ये करके दिखा दिया कि नाम से इस दुनिया में आपको नहीं चुना जा सकता, सिर्फ काम से ही चुना जा सकता. ओके, लेट मी इंट्रोड्यूस, ही इज प्लेइंग एल के अडवाणी इन द फिल्म. नमस्कार. व्हाट ही इज प्लेइंग इज द मिस्ट्री दैट वी वांट से, एंड दैट इज अक्षत आर तरुजा, आर थ्री एक्टर्स. थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच. थैंक यू. नहीं, वी होप कि आप लोगों को फिल्म बहुत अच्छी लगेगी. चलो एक मिनट, एक फोटो लेना साथ में. हाँ, यादव की बारात, पीछे आना, पीछे 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 कम. अरे प्रोड्यूसर ये काम नहीं. हाँ जी, नमस्कार. इस फिल्म में विवेक सर ने, संदीप ने और उमंग सर ने बहुत मेहनत की है. बहुत ही सच्ची और बहुत ही अच्छी फिल्म है और बहुत ही सच्चा और बहुत ही अच्छा समय है इस फिल्म के आने का. सो ये आज का दिन जो है वो सिर्फ फिल्म नहीं है, ये एक उत्सव है सच्चाई का और एक मेहनत कश इंसान के, एक अपने आदमी की जो ऊँचाई की परम सीमा तक पहुँचने का. तो आई एम वेरी हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ इट, आई एम ब्लेस्ड एंड आई एम प्राउड ऑफ इट. ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच. भाई सबसे पहले तो मैं मोदी जी को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा कि फाइनली वो वापस से पीएम बन गए और फाइनली हमारी फिल्म रिलीज़ हो रही है. बड़े ही जद्दोजहद के बाद ये फिल्म आज रिलीज़ हो रही है, इस बात की हम पूरी टीम को बहुत खुशी है. और सबसे अच्छी बात है कि मुझे जो रोल मिला है वो मोदी जी के सबसे करीबी रोल है और काफ़ी जानने को मिला मुझे मोदी जी के बारे में, बिकॉज मैं मोदी जी का राइट हैंड प्ले कर रहा हूँ इस पूरी फिल्म में. तो मैंने जो उनका पर्सनल नेचर जाना है वो बहुत कम लोग जानते हैं. बहुत रिजिलिएंट उनका नेचर रहा है कि हर बार हर प्रॉब्लम में सॉल्यूशन ढूंढना, वो उनका नेचर रहा है और वही आज इलेक्शंस में हमने देखा. और ये हमारे विलेन खड़े हैं सामने मोदी जी के अगेंस्ट फाइट करने के लिए. सो ओवर टू द विलेन. अगर मैं बोलूँगा कि बहुत खुशी हो रही है मुझे कि मोदी जी जीत गए तो वो झूठ होएगा, क्योंकि ये फिल्म देखने के बाद आपको लगेगा कि कि ये आदमी कुछ बोल रहा है. लेकिन बट इट्स अ ग्रेट ओकेजन वेयर दिस मूवी इज़ रिलीजिंग फाइनली, एंड आई वुड लाइक टू विश एवरीबॉडी अ लॉट ऑफ लक, बिकॉज वी ऑल नो द काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स दैट वी ऑल गॉन थ्रू फॉर दिस रिलीज. एंड
It's a fantastic moment today for everybody because of the elections and Mr. Modi coming back into power. So maybe we can always expect somebody to make another movie, you know, which is where it is going to be pitted again, Mr. Modi and the villains and how he comes out as a hero. Thank you so much and wish you all the luck. Chai 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 are modi ji ki chai modi ji ki chai who next le le bhai Ravi sir. Ravi sir, de do. Sorry, sir. Visual aa gaya. Really achhi chai. Achhi ho gaya. Yaar, aata.